जिसे हम समझते थे मामूली रोग, वो अब बन चुका है दानव। उसने फैला दिए हैं दुनिया भर में अपने पंजे। हर घंटे वो निकल जाता है देश के 45 बच्चे। गुजरते हर मिनट में एक बच्चा सिसक सिसक कर तोड़ देता है दम। वो मलेरिया, खसरा, टीबी या कैंसर नहीं, वो एड्स, डेंगू या स्वाइन फ्लू भी नहीं, वो है खामोश हत्यारा निमोनिया, जिसे हम मानते हैं मामूली बीमारी। लेकिन निमोनिया नहीं है मामूली रोग, वो अब बन चुका है घातक। इसे मामूली बुखार समझना पड़ सकता है महंगा, इसलिए किसी तरह का बुखार आने पर घर में ही इलाज करने से बचें। बच्चे को फौरन डॉक्टर को दिखाएं और पता करें कि कहीं उसे निमोनिया तो नहीं, क्योंकि निमोनिया है साइलेंट किलर। जी हर रोज दोपहर 2 बजे हम हाजिर होते हैं आपसे हमसे जुड़ी किसी परेशानी के साथ और कोशिश करते हैं उस समस्या का हल निकालने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं निमोनिया की। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आपके साथ में हूँ नीतू बुद्धि राजा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि हम आमतौर पर मामूली सी बीमारी समझते हैं निमोनिया को, लेकिन अब वो घातक रूप ले चुकी है। बिल्कुल, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर घंटे निमोनिया से 45 बच्चों की मौत होती है। यानी करीब हर मिनट हमारे देश में एक बच्चा निमोनिया की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए निमोनिया को मामूली बीमारी समझने की भूल ना करें। निमोनिया कितना खतरनाक है जरा देखिए इस रिपोर्ट में। घड़ी की ये सुई 1 मिनट पूरा करेगी और एक मासूम बच्चा चढ़ जाएगा साइलेंट किलर की बलि। जी हाँ, ये सच है, ये साइलेंट किलर हर मिनट हमारे देश में एक बच्चे की बलि ले रहा है, वो भी सिर्फ हमारी गलतफहमी की वजह से। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी है वो खतरनाक बीमारी जो हर मिनट एक बच्चे को निगल रही है। जी नहीं, ये मलेरिया, टीबी, कैंसर, डेंगू बुखार, स्वाइन फ्लू या एड्स नहीं है। बच्चों का ये साइलेंट किलर है निमोनिया। वो निमोनिया जिसे हम अब तक मामूली बीमारी समझते आ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर घंटे निमोनिया की वजह से भारत में 45 बच्चों की मौत होती है, यानी हर मिनट करीब एक बच्चे को निमोनिया मौत के मुँह में पहुँचा देता है। WHO के मुताबिक भारत में निमोनिया से हर साल 4 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। साफ है, इस साइलेंट किलर के खूनी पंजे को रोकने के लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक अस्पताल के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। अपने दर्शकों के यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 01202515341। ये हमारा नंबर है। डॉक्टर मलिक, आपसे सबसे पहला सवाल, हर घंटे 45 बच्चों की मौत, अपने आप में ये काफी डराने वाले आंकड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे निमोनिया होता क्या है और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चले कि मुझे निमोनिया है? देखिए, निमोनिया फेफड़े की इन्फेक्शन को हम लोग साधारण रूप से अगर बताऊं तो फेफड़े की इन्फेक्शन या फेफड़े में सूजन आने को हम लोग निमोनिया कह देते हैं। निमोनिया के सिम्टम शुरुआत में तो बड़े साधारण होते हैं, थोड़ी सी खांसी होती है, थोड़ा नजला होता है, लेकिन अगर ये बढ़ता जाता है तो इसमें बच्चों को काफ़ी समस्या आती है, सांस लेने में परेशानी आती है, चेस्ट के अंदर थोड़ी टाइटनेस लगती है, खांसी बढ़ जाती है और जिसको हम पसली चलना कहते हैं वो होने लग जाती है और नथुने फूलने लग जाते हैं, यानी कि ले दे के सांस में परेशानी आ जाती है। तो इन सब सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम लोग निमोनिया कहते हैं। डॉक्टर मलिक, हमारे दर्शक अब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। धनवीर हमारे साथ हैं दिल्ली से। धनवीर, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर मलिक। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए धनवीर जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे बच्चे को निमोनिया है। उसकी उम्र है 2 साल। और जब वो सांस लेता है तो उसकी छाती से आवाज आती है गरड़ गरड़। और उसके बावजूद हम उसकी किस चीज तरह से देखभाल करें कि सर्दी में हमें ज्यादा, अब भी वो परेशान है, शाम को डॉक्टर गोपाल से विचार विमर्श करूंगा इस बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें क्या सावधानी बरते कि हमारा बच्चा ठीक रहे। देखिए जी, आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि निमोनिया एक साधारण बीमारी है, अगर हम इसको समय रहते इसका इलाज करा दें तो ये बिल्कुल क्योरेबल, और ये जितनी डेथ्स होती हैं जो कि बहुत अच्छे आंकड़े बताए, यहाँ पे बताना चाहूंगा
कि 19% बच्चे जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है यूनिसेफ की जो स्टडी है उसके हिसाब से 19% जितने भी बच्चों की मौतें होती हैं 19% उनमें से निमोनिया से होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। लगभग 5 लाख बच्चे हर साल हिंदुस्तान में निमोनिया से ही मौत होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एक प्रिवेंटेबल डेथ है, यानी कि इसमें अगर बच्चे का शुरुआती दौर में इलाज कर दिया जाए तो ये प्रिवेंटेबल है। रहा आपका क्वेश्चन, आपके बच्चे को निमोनिया है, आप डॉक्टर की सलाह दें, आमतौर पर साधारण एंटीबायोटिक देने से शुरुआती दौर में अगर साधारण एंटीबायोटिक देते हैं तो निमोनिया बिल्कुल क्योर हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात बिल्कुल। और इस वक्त हमारे एक और दर्शक चेन्नई से हमें फोन कर रहे हैं, आलोक कुमार। आलोक जी पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चा जो है अभी 2 साल का है और जब वो 6 महीने का था तब उसको निमोनिया हो गया था। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे चेन्नई में था, बच्चा मेरा यूपी में, मैं वहाँ पे था नहीं, उनकी माँ थी उनके साथ में, बच्चे के साथ में। तो उस टाइम डॉक्टर ने शायद बताया था कि 2-4-5 साल या कितना आपको जो है थोड़ा स्पेशल केयर रखना है चूंकि इसको निमोनिया हुआ है। तो मैं जानना चाह रहा था कि उसको निमोनिया 6 महीने, मतलब 6 महीने का जब था तो हुआ था, तो अब मतलब क्या मुझे कुछ स्पेशल कुछ है? देखिए, जो आपके बच्चे को 6 महीने की बीमारी थी और डॉक्टरों ने आपको सलाह दी थी कि 5 साल तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बार बार हो सकती है। ये बीमारी जो होती है ये बेसिकली एलर्जिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी आपके बच्चे को, जो कि कई बार 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 भी आती है और 5 साल तक चलती है और उसके बाद में ठीक हो जाती है। निमोनिया आम तौर पे होने के बाद में दोबारा रिकर करने की उसकी संभावना काफी कम रहती है, उसके अंदर दोबारा से एक बार निमोनिया का अगर प्रॉपर इलाज कर दिया जाए तो वो दोबारा से रिकर करता नहीं है आमतौर पे। ये जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम है ये एलर्जिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह ने डॉक्टर को ने आपको सलाह दी थी कि आप 5 साल की उम्र तक बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखें। डॉक्टर मलिक, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, नरेश। नरेश पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते, मैं नरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ सर, मेरी गुड़िया को ना, हेलो। हाँ जी बोलिए नरेश जी। हाँ सर, मेरी गुड़िया एक्चुअली 13 महीने की है। तो सर जब वो हुई थी उसकी सांस की और खाने के लिए दोनों एक था, तो उसका सर्जरी हो गया था, तो तब से सर उनको निमोनिया होता ही जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है, जो आपके बच्चे को बीमारी थी जन्म के टाइम पे उसे हम ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं, जिसमें सांस की नलकी और खाने की नलकी मिली होती हैं। एक बार ऑपरेशन होने के बाद ये बीमारी बिल्कुल क्योर हो जाती है। इस बीमारी का आपके बच्चे के प्रेजेंट निमोनिया से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद आपके बच्चे को निमोनिया हो रहा है तो ये इसी तरह का निमोनिया जो कि साधारण किसी भी बच्चे को हो सकता है, तो आप इसका इलाज करवाइए, एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स देंगे और उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे एक और दर्शक चंडीगढ़ से लालचंद हमें फोन कर रहे हैं। लालचंद जी पूछिए अपना सवाल डॉक्टर मलिक से। नमस्कार जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। प्लीज सर, 2 महीने से मेरा नाक बंद है, जिसमें नाक से सांस नहीं आ रहा जी। 2 महीने हो गए। आई वेंट टू PGI, दे हैव गिवन मी हाइपर डोप्टी, लिखा उन्होंने हाइजेस्टेंट, मुझे दवाई दे रहे हैं पूरा मिस्ट नोडल स्प्रे। ये आपको एक बड़ी साधारण सी नाक की बीमारी है, बात सुन लीजिए। हाँ जी पर काइंडली, मुझे इससे फर्क पड़ा है लेकिन सांस अभी एक नाक से नहीं आता जी। फिर मुझे मैंने कल सीटी स्कैन कराया, की रिपोर्ट है माइल्ड DNS टुवर्ड्स राइट एंड माइल्ड हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट इंफीरियर टर्बिनेट। अब बताइए मेरे लिए क्या होगा? ये मैंने आपको यही बताया कि आपको बड़ी साधारण सी बीमारी है ये, इसको DNS कहते हैं, जिसमें कि नाक का जो सेप्टम है वो थोड़ा सा एक तरफ डेविएट हो जाता है, जिससे कि आपको हर वक्त लगेगा कि नाक जो है रुका हुआ है या बंद है। आम तौर पे इस तरह के DNS में एक माइनर सी सर्जरी होती है जिससे कि आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो इसी तरह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन बार बार रहेगी जैसे पिछले 2 महीने से है। एक माइनर सी सर्जरी कराइए और बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं भिवानी से, राजेंद्र। राजेंद्र पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरा बेटा 5 साल का है, तो हर साल उसको जब वेदर चेंज होता है सितंबर से नवंबर के बीच में, उसको यही सर्दी, पहले नोज ब्लीडिंग होगा, फिर खांसी हो जाएगा, फिर उसके बाद चेस्ट कंजेशन और फीवर हो जाता है। तो हर साल की प्रॉब्लम है, सर्दी में हम कहीं भी बाहर नहीं जा पाते, ये डर लगता है कि इसको इन्फेक्शन नहीं हो जाए। मैंने फ्लू वैक्सीन भी लगवा के देख लिया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना प्रिकॉशन लेते हैं, इतना केयर करते हैं, फिर भी उसको हो ही जाता है। देखिए ये आपके बच्चे को एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं या चाइल्डहुड ब्रोंकियल एस्थमा इसको हम लोग कहते हैं।
ये रिकरेंट होती है। आपने बड़ा इंटेलिजेंटली इसको नोट किया है कि जैसे ही मौसम बदलता है तो ये सिम्टम्स होते हैं। मौसम बदलने के साथ बच्चे को थोड़ा नजला होगा, थोड़ी खांसी होगी, थोड़ी पसली भी चल सकती है। ये एलर्जिक प्रॉब्लम है, ये निमोनिया से थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम होती है जो कि बच्चों में होती है। आमतौर पर ये सारे बच्चे 5 से 6 साल की उम्र तक ठीक हो जाते हैं और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। प्रिकॉशंस थोड़ी सी लेनी होती हैं, वो आप ले ही रहे होंगे। प्रिकॉशंस में मेन प्रिकॉशन ये है कि बच्चे को नज़ले खांसी जुकाम के मरीज से थोड़ा दूर रखना है। अगर इस तरह के मरीज के पास ले जाएंगे तो आपके बच्चे को भी अटैक हो सकते हैं, और प्रदूषण वाले एटमॉस्फेयर में जहाँ पर पॉल्यूशन है वहाँ से हमारे को बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है। ये कुछ आप प्रिकॉशंस लेंगे तो ये बड़ी सरल सी बीमारी है और ये काफ़ी मात्रा में बच्चों को होती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, यानी सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। राम इस वक्त दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। राम पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो, हाँ राम जी बोलिए। हेलो राम, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी पूछिए। हेलो राम जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरा भाई है छोटा। सर उसको परसों सर मतलब वॉमिटिंग हो रही है और बुखार है काफी तेज। और सामने से दवाई दिलवाई बट उसकी वॉमिटिंग कम नहीं हो रही, 3-4 बार उसकी वॉमिटिंग हो गई है। इसको खांसी हो रही है कि नहीं? ये खांसी हो रही है हल्की हल्की। देखिए ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं। मुझे ये जिस तरह से आपने बताया मुझे निमोनिया नहीं लग रहा। निमोनिया के अंदर प्रोमिनेंट सिम्टम ये होता है कि मरीज को खांसी काफ़ी होती है, सांस में घुटन होती है और सांस थोड़ा सा तेज चलता है। ये जितने आपने सारे मुझे सिम्टम्स बताए हैं इसमें निमोनिया के लक्षण नहीं लग रहे हैं। आप अपने डॉक्टर से राय लीजिए, हो सकता है साधारण वायरल फीवर हो जिसके साथ में उल्टियाँ लग रही हों और ठीक हो जाएगा मरीज। डॉक्टर बिल्कुल, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ वक्त ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के बाद ये जरूर जानना चाहेंगे कि चेंज ऑफ वेदर जो है समीर वो कितना ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि जब भी चेंज ऑफ वेदर की बात सामने आती है जुकाम बुखार खांसी ये सब सबसे पहले अटैक करते हैं। हमारे साथ है इमरान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। इमरान पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मेरी 1.5 साल की लड़की है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है सर जी, उसको शाम को रोज फीवर आ जाता है और सुबह के समय पे ठीक हो जाता है मगर रात में बहुत दिक्कत होती है। हमने उसको एंटीबायोटिक वगैरह प्राइवेट में दिखवा के लिया था तो क्रोसिन वगैरह दवा दी थी, उससे कुछ है नहीं, फायदा नहीं है। वो एक हफ्ते से प्रोग्राम ये चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है सर। खांसी तो नहीं है जी? खांसी भी हल्की आती है। देखिए जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, हो सकता है आपकी बच्ची को साधारण वायरल हो सकता है साधारण यूरिन की इन्फेक्शन हो, वो तो आपके डॉक्टर देख के आपको बता देंगे। लेकिन एक चीज़ काफ़ी हद तक तय है कि ये निमोनिया नहीं लग रहा। निमोनिया का एक प्रोमिनेंट लक्षण जो होता है, प्रोमिनेंट जो सिम्टम होता है वो खांसी होती है और खांसी भी काफ़ी होती है। और अगर खांसी बिल्कुल नहीं है तो निमोनिया की संभावना काफ़ी कम है। डॉक्टर मलिक, लेकिन जैसा कि इन्होंने भी पूछा, इमरान भी जानना चाह रहे थे कि रोज़ शाम को अगर फीवर आ जाए और सुबह आप ठीक हो जाएं लेकिन शाम ढलते ही फीवर आने लगे, ये क्या है? देखिए ये आम तौर पे तरह तरह के, आजकल चेंज ऑफ सीजन में तरह तरह के वायरसेस जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो चलती हैं, जिनमें कि कई बार किसी एक समय पर फीवर आ जाता है और फीवर की जनरली टेंडेंसी शाम को ही ज्यादा आने की होती है, तो ये आमतौर पर साधारण। दूसरा, अगर प्रोलॉन्ग फीवर चलता है और सिर्फ शाम को ही आता है और काफी टाइम से चल रहा है तो ये कई बार टीबी का भी लक्षण होता है। टीबी के जो फीवर होता है वो भी शाम के टाइम आता है। लेकिन इनके केस हमारे एक और दर्शक नेहा हमें फोन कर रही है जोधपुर से। नेहा पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती थी कि मेरा लड़का 1.5 साल का है सर और उसे बहुत खांसी जुकाम रहता है और जब भी उसे खांसी जुकाम होता है उसे नेबुलाइज करवाना पड़ता है। देखिए हाई फीवर भी बहुत रहता है उसको। देखिए जो नेबुलाइजर जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं ये एलर्जी कॉफ में यूज करते हैं, निमोनिया में इसका कोई खास रोल नहीं होता। ये जिस तरह के आप सिम्टम्स बता रहे हैं, आपके बच्चे को एलर्जी कॉफ है जो कि बार बार रिकर करती है और उसके अंदर आप नेबुलाइजर देती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि नेबुलाइजर एक काफी कारगर तरीका है एलर्जी कॉफ्स को ट्रीट करने का। डॉक्टर तो, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमने देखा है कि अमूमन चेंज ऑफ वेदर के चलते निमोनिया वायरल ऐसे तमाम बीमारियां हो जाती है, तो किस तरह से अपना ख्याल रखें खासकर चेंज ऑफ वेदर में? देखिए निमोनिया से बचाव के लिए कुछ चीज़ें, कुछ हिदायतें मैं देना चाहूँगा जो कि बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ तो निमोनिया जो बीमारी है वो 2 साल से छोटे बच्चे में ज़्यादा प्रकोप करती है और इसकी मॉर्टेलिटी यानी मरने की संभावना भी 2 साल से छोटे बच्चे में ज़्यादा होती है।
अगर हम शुरुआत से ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, स्तनपान कराते हैं, तो निमोनिया होने की संभावना काफी कम हो जाती है। बचाव के लिए चेंज ऑफ वेदर में या सर्दियों के अंदर, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, तो निमोनिया होने की काफी ज्यादा संभावना होती है। तो बच्चों को ऐसे किसी भी प्राणी से दूर रखें जिसको भी खांसी है, जुकाम है, नजला है, यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम है, क्योंकि अगर किसी भी बड़े के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको निमोनिया होने की संभावना हो सकती है। सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर रवि मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का सवाल बखूबी, सवालों के जवाब बखूबी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।